study with me, a learning experience. Students, miscellaneous exercise 13 के multiple choice questions को हम solve करेंगे. Question number 1, the circumference of a circle is called chord, segment or boundary. ये हमारा circle है और इसके आप side उसके देखेंगे कि circumference side को कहते हैं और बिल्कुल जिस तरह cricket की boundary होती है उस तरह है, तो इसी को boundary का इसका answer है. Question number 2, a line intersecting a circle is called tangent, secant or chord. ये हम डायग्राम देखते हैं, इसमें आप कॉर्ड तो आप जानते हैं सर्कल के अंदर अगर दो पॉइंट्स को टच कर रही हो, टेंजेंट जो कि बिल्कुल बाहर से एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही हो, डायमीटर बीच में से गुजरता है, और सीकेंट वो कॉर्ड जो दोनों साइडों पे एक्सटेंड हो जाती है लाइन के तौर पे, जिस तरह ये है, तो इसको सीकेंट कहते हैं और कट करती हुई जाती है ये सर्कल को दोनों पॉइंट्स पे, तो ये सीकेंट इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, सेगमेंट और कॉर्ड. डायग्राम देखें, दो रेडियस हैं और दो रेडियस के बीच वाले एरिया जब आर्क के बीच में आ जाए, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में, तो इसको कहा जाता है सेक्टर. मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ है कि जब आर हैं दोनों साइडों पे तो ये सेक्टर के आखिर में भी आर आ रहा है, जबकि दूसरा केस आपको याद होगा कि अगर एक कॉर्ड हो और एक आर्क उसके साथ, इन दोनों के बीच के एरिया को सेगमेंट कहा जाता है, तो ये सेक्टर वाला उम्मीद आपको नहीं भूलेगा. क्वेश्चन नंबर 4, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4. तो मुझे तो हमेशा डिग्रीज में ही पसंद होता है काम करना, तो सबसे पहले इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं, पाई बाय 2 यानी 90, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 2 90, इसी तरह पाई बाय 3 को 60 और पाई बाय 4 को 45 डिग्री लिख लेते हैं. अब इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल से क्या मुराद है, ये आप देख सकते हैं पूरा सर्कल है, ये इसका हाफ में डायमीटर जा रहा है, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल में कभी भी कोई आप ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ करेंगे कि एक लाइन यू की और दूसरी यहां से, तो ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे होते हैं. जब हमने ये सीख लिया तो साथ ही हम ये रिवाइज कर लेते हैं, अगर इस हाफ लाइन से नीचे की तरफ आपका जो है ट्राइंगल की लाइन मौजूद हो तो वो, यानी कि ग्रेटर देन सेमी सर्कल में हो, तो वो ऊपर कितना एंगल बनाएगा, लेस देन 90, और अगर लेस देन सेमी सर्कल में ये ट्राइंगल आ रहा हो तो ये कितना एंगल बनाएगा, ग्रेटर देन 90. क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. बहुत ही आसान है, 1, 2 या 3 में से देखें, अगर रेडियस x है तो डायमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स x. क्वेश्चन नंबर 6, द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर और या फिर परपेंडिकुलर. तस्वीर देखें, रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री के, तो ये परपेंडिकुलर इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन आर ओवरलैपिंग, कोलिनियर और नॉट कोइंसाइड. बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जरा समझें. ये मैंने मुख्तलिफ सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, एक का नाम मैंने दे दिया इसके सेंटर का जे ए, जे बी, जे सी. ये जो जे ए सर्कल है ये 3 ऐसे पॉइंट से गुजरता है, सी, एच और बी से, जबकि ये वाला सर्कल जो है ये किन से गुजर रहा है, बी से तो गुजर रहा है, एच से भी गुजर रहा है, लेकिन सी से नहीं गुजर रहा, किधर से और गुजर रहा है, ए से. अब इस सर्कल को देखेंगे, सी से तो गुजर रहा है, एच से तो गुजर रहा है, लेकिन बी से नहीं गुजर रहा, ना ही ए से गुजर रहा है, सॉरी ए से गुजर रहा है लेकिन बी से नहीं गुजर रहा. तो इसलिए कभी भी दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स 3 पॉइंट्स के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर सकते, अनलेस के वो ओवरलैपिंग हो. क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर कोइंसिडेंट, नॉन कोलिनियर या कोलिनियर. डायग्राम देखते हैं, ये दो सर्कल्स हैं, इनके सेंटर पॉइंट्स आपस में मिला लीजिए तो जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही होते हुए गुजर रहे होते हैं ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होते हैं, चाहे एक्सटर्नली टचिंग हो या इंटरनली टचिंग सर्कल्स हो, तो आंसर इज कोलिनियर. क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6. इसको हम वैसे डिग्रीज में भी नोट कर लेते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री. अब देखें, ये जो रेगुलर हेक्सागोन होता है, रेगुलर का मतलब है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 6 की 6 साइड्स इसकी बराबर हैं, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, हमें याद है कि 360 डिग्री उसका एंगल होता है, चाहे ट्राइंगल हो उसके भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा, और ये हेक्सागोन है इसकी 6 साइड्स हैं, तो 360 डिवाइड बाय 6, 6
60 डिग्री यानी कि पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें जरूरी है कि हम समझ सकें इन सेंटर क्या है और सर्कम सेंटर क्या है। ये आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है, इसके अंदर हम इंस्क्राइब करते हैं एक सर्कल, यानी अंदर से तीनों साइडों को टच करता हुआ सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे कहते हैं इन सेंटर। इसी तरह ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसके आउटर वर्टिसेस को जो सर्कल टच करता हुआ जाएगा उसको कहेंगे सर्कम सर्कल। तो इस सर्कमस्क्राइब सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे कहेंगे सर्कम सेंटर। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों एक हों, यानी कि कोइंसाइड कर रहे हों? ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जबकि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। ये आप देख सकते हैं इन सर्कल और ये आप देख सकते हैं सर्कम सर्कल। तो आंसर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 11। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन क्या है? पाई बाय 4, 2 बाय 6, पाई बाय 8। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह एक ये भी नया क्वेश्चन आ गया है। पहले हम लोगों ने हेक्सागॉन का किया था, अब ये ऑक्टागॉन का है। हम लोग पहले डिग्रीज में कर लेते हैं, 45, 30 और 60 बन जाते हैं ये, क्योंकि पाई होता है 180, पाई डिवाइड बाई 4 यानी 180 डिवाइड बाई 4 45 डिग्री। इसी तरह 30 और 60 भी। हम लोग ऑक्टागॉन की डायग्राम देखते हैं, इसकी 8 साइड्स हैं, तो 360 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग। ऐसे क्वेश्चंस में आप डायग्राम जरूर जहन में लाया करें। तो ये डायग्राम है, एक सर्कल है, उसका डायमीटर आपको नजर आ रहा है ए बी, और दो जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं पी क्यू पॉइंट ए से गुजर रहा है और आर एस पॉइंट बी से गुजर रहा है। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13। द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ सर्कल्स आर अनइक्वल, इक्वल और ओवरलैपिंग। तो डायग्राम देखते हैं, दो सर्कल्स हैं और दोनों के जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, जिसको मैं उल्टा पुल्टा भी बोला करता हूँ, कि यहाँ से इधर जा रहा है एक टेंजेंट और दूसरा ट्रांसवर्स टेंजेंट यहाँ से इधर जा रहा है, तो इनकी जो लेंथ है आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, 1, 2 और 3। यानी एक सर्कल है, उससे बाहर एक पॉइंट है, तो उससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? ये पॉइंट है, इससे सर्कल को आप एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में बना सकते हैं और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, द सर्कल्स विल इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, टच ईच अदर एक्सटर्नली। अभी इसको हम लोग देखते हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है सर्कल्स के, वो इक्वल बन रहा है रेडियस 1 एक सर्कल का रेडियस और प्लस रेडियस 2 दूसरे सर्कल का रेडियस। ये इसी सूरत में मुमकिन है जो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली बस टच कर रहे हो, जिस तरह के ये। क्वेश्चन नंबर 16। इफ द टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई। ये बिल्कुल वो पिछला सवाल ही, बस इंग्लिश फर्क कर दी गई है, तो ये सम ऑफ देयर रेडियाई के इक्वल है। अब ये बात थी जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसी तरह हम सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं कि अगर इंटरनली का पूछ लें तो क्या होगा। अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हो तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर्स के बीच में इज द डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, यानी आर वन माइनस आर टू। क्वेश्चन 17। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं जिसमें डायरेक्ट भी होते हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकें, 2, 3 या 4। डायग्राम देखते हैं, ये दो सर्कल्स हैं, इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ये हैं रेड वाले, ये और ये, क्योंकि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इनका एक ही बीच में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन सकता है जो ऑरेंज से ड्रॉ किया हुआ है, तो टोटल 3 बन सकते हैं, 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स, 2, 3 और 4। डायग्राम देख लेते हैं, दो सर्कल्स हैं, तो दो इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टच कर रहे हैं रेड वाले और दो इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टच कर रहे हैं ऑरेंज वाले, तो टोटल फिगर इज 4।
अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर इस तरह की कोई वीडियोस बनाते रहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और मज़ीद किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस बना कर दीजिए।